तो बेसिकली हम लोग है ना रिएक्ट को सीखेंगे, और रिएक्ट को सीखने के लिए हम कोई और सोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं ये कि एज ए आप लर्नर हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, हर लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके वेबसाइट पे, उसको पढ़ा जा सकता है। तो कल का जो प्रोजेक्ट था उसको वापस से खोल लेते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा बात जब तक कर रहा हूँ तब तक नया इंस्टॉल ही कर लेते हैं। तो नया इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपको हम कल बताए थे, ओपन करना है टर्मिनल को, जहाँ पे इंस्टॉल करना है वहाँ पे। अभी हम यहाँ पर ये बता रहा है कि हम डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो आप बस सिंपली लिखेंगे npx create dash next dash app और फिर ऐप का नाम, जो भी आपको नाम लेना है। नाम लेने के टाइम में आप कैपिटलाइज नहीं कीजिएगा, पहला अक्षर दूसरा अक्षर कोई कैपिटल मत कीजिएगा, सेपरेट करने के लिए डैश का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस प्रोजेक्ट का नाम वेब डिज़ाइन बाय वेब डिज़ाइन लिख देते हैं, ठीक है, छोड़ दो, एक सिंपल नाम है वेब डिज़ाइन। और इसमें पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट रखना है, तो ऑफकोर्स टाइप स्क्रिप्ट, हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट आता है, टाइप स्क्रिप्ट अभी नहीं आता है तो हम इसमें नो करेंगे, ये यस, ये यस, ये नो, ये यस, बस हो गया। थोड़ी देर वेट करेंगे, इंस्टॉलेशन होता रहेगा, तब तक मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्विक स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली अपने यूआई की चीज़ों को। देखो लर्न रिएक्ट के सेक्शन में पहला टॉपिक है डिस्क्राइबिंग यूआई, यूआई को डिस्क्राइब करने वाले हैं। क्या है रिएक्ट में यूआई? देखो रिएक्ट इज़ ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर रेंडरिंग यूआई। किसको, किसके लिए लाइब्रेरी, क्या काहे काम कर रहा है? यूआई को दिखाना, रेंडरिंग मतलब कॉल करना समझ सकते हो। यूआई इज बिल्ट इन फ्रॉम द स्मॉल, कोई भी यूआई क्या होता है, बिल्ड फ्रॉम द स्मॉल यूनिट लाइक, यूआई किसे कहते हैं, यूजर इंटरफेस जिसको कहते हैं, कैसे कहते हैं, जैसे बटन, एक छोटा सा बटन भी एक यूआई है, एक टेक्स्ट यूआई है, एक इमेज यूआई है, वो सारी चीज़ जो वेबसाइट में हम लोग डालते हैं वो सब यूआई है। एक यूआई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, हो सकता है टेक्स्ट बटन और इमेज का एक कॉम्बिनेशन एक यूआई बन सकता है, जिसको कार्ड बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। प्रोडक्ट का कार्ड देख लीजिए किसी वेबसाइट पे, मैं मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को खोल लेते हैं, देख लेते हैं यूआई किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज है, ये एक टेक्स्ट है और ये एक बटन है। इस तरीके का तीनों चीज़ को मिला दिए तो क्या बन गया, एक यूआई जिसे हम क्या कहेंगे, कार्ड, ठीक है। ऐसे करके ऊपर में देखो नेव बार, ऊपर में लोगो है, सर्च पट्टी है, कुछ लिंक्स है, कुछ आइकन्स है और कुछ होवर हैं, ये सबको मिला के क्या बोलेंगे, यूआई। तो यानी एनी एलिमेंट्स विच यू वी यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो दैट इज कॉल्ड यूआई, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यूआई बिल्ड फ्रॉम द स्मॉल यूनिट लाइक बटन टेक्स्ट और इमेज, इसका ये मतलब है। रिएक्ट को हम लोग बेसिकली कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं किसी यूआई को, नेस्टेड कंपोनेंट बना सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, ठीक है। फ्रॉम वेबसाइट टू फोन ऐप, ऐसा नहीं है कि हम यूआई बना रहे तो सिर्फ वेबसाइट पे खुलेगा, मोबाइल के ऐप में नहीं खुलेगा, मोबाइल के ऐप के लिए भी रिएक्ट से हम बना सकते हैं। और आगे एनीथिंग ऑन द स्क्रीन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द कंपोनेंट, तुमको ये वेबसाइट, अभी जो ये रिएक्ट खुला हुआ वेबसाइट है इसको टुकड़ों में बांटो और वो सब टुकड़ा यूआई कहलाएगा, वो टुकड़ा एक कॉम्पोनेंट कहलाएगा, ये लोगो कॉम्पोनेंट कहलाएगा, ये सर्च पट्टी कॉम्पोनेंट कहलाएगी, ये सारे बटन्स कॉम्पोनेंट कहलाएंगे, ये आइकन्स कॉम्पोनेंट कहलाएंगे, ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, ये सब कॉम्पोनेंट कहलाएंगे, इसे क्या कहेंगे, कॉम्पोनेंट कहेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे टू क्रिएट, किसी कॉम्पोनेंट को बनाना, जो कल भी सीखे थे, कस्टमाइज, उसको कस्टमाइज करना, एंड कंडीशनल डिस्प्ले रिएक्ट कॉम्पोनेंट, यानी कंडीशनली कैसे हम उसको कंडीशन के हिसाब से क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते हैं, वो सारे चीज़ इस चैप्टर में जितना चीज़ पढ़ना है वो यहाँ पे सामने है आपके। पहला चीज़ पढ़ना है कि कैसे हम रिएक्ट कंपोनेंट को बनाएंगे, कैसे उसको मल्टीपल कंपोनेंट के फाइल को ऐड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML या JSX कैसे डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट का क्या काम है, JSX कैसे काम करता है और उसमें फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करते हैं, ये भी सीखेंगे कि किसी कंपोनेंट में प्रॉप्स को कैसे कॉन्फिग करते हैं, ये भी सीखेंगे कि किसी कंपोनेंट के अंदर में हम लोग कंडीशन यानी ई फाइल्स कैसे लगा सकते हैं, इसके ये भी सीखेंगे कि एक कंपोनेंट को बनाकर मल्टीपल टाइम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग बग को और कंपोनेंट को प्योर रखा जा सकता है बग हटाकर, और ये भी सीखेंगे कि हम लोग हमारा जो यूआई है उसका ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब कुछ देखेंगे। ये पहला चीज़ जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है माय फर्स्ट कंपोनेंट, यानी मेरा पहला कंपोनेंट हम बनाने जा रहे हैं। रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड होता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आइसोलेटेड पीसेस ऑफ यूआई,
यानी पूरा का पूरा वेबसाइट जो बनाते हैं रिएक्ट के ऊपर, जो एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट के ऊपर, उसके आइसोलेटेड पीस को हम कंपोनेंट कहते हैं। टुकड़े टुकड़े में हम लोग बनाते हैं और उसको हम लोग तैयार करके एक वेब पेज में तैयार करके खड़ा कर देते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों को रखा जाता है, वैसे वेबसाइट को बनाने के लिए कंपोनेंट को सजाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का इस्तेमाल करके और कुछ मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग कंपोनेंट को तैयार करते हैं। कंपोनेंट छोटा से छोटा एक बटन जैसा भी हो सकता है और कंपोनेंट एक बड़ा से बड़ा पूरा पेज भी हो सकता है। मतलब पूरा पेज, इंटायर पेज को भी हम कंपोनेंट कह सकते हैं और एक छोटे से बटन को भी हम लोग कंपोनेंट कह सकते हैं। इस जगह पे जो एग्जांपल आ रहा है वो आ रहा है गैलरी नाम के कंपोनेंट का, जो कि एक प्रोफाइल नाम के कंपोनेंट में 3 बार चलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोफाइल नाम का, देख लीजिए यहाँ पे प्रोफाइल नाम का यहाँ पे कंपोनेंट बना हुआ है, तो मैं भी आपके प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट में बनाऊंगा। ये देखिए सक्सेस हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ले लेना है। कैसे, वेब डिज़ाइन को राइट क्लिक करेंगे, वीएस कोड में ओपन करेंगे, काम हो गया। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे लोकल में रन कराना है। तो हम लोग को टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक कमांड लिखना है, npm रन dev। देखिए कैसे होगा, बस सिंपल npm रन dev। ध्यान रखिएगा, जब तक ये चल रहा है तभी तक काम करेगा, अगर नहीं चल रहा है तो ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइव सर्वर पे काम करता है। यानी कि जैसे जैसे आप कोड चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक आउटपुट उसका बदलता जाएगा। तो बेसिकली ये है आपका वो जगह जहाँ पे हमको इसको बना रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्क्रीन के आधे हिस्से में डाल देता हूँ आउटपुट को और आधे हिस्से में डाल देता हूँ कोड को। ठीक है, इससे क्या होगा, हम पैरेलल वर्क कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये वेबसाइट खुलने देते हैं और ये है मेरा वो जगह जहाँ पे ये वेबसाइट, देखिए ये नेक्स्ट जेएस का पहला पेज है जिसमें हम लोग अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं गैलरी नाम का, चूंकि मेरा डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है कि आप यहाँ पे प्रोफाइल नाम का एक छोटा सा कंपोनेंट बनाइए, एक छोटा सा कंपोनेंट जिसमें क्या होगा, एक इमेज होगा, सिंपल क्या होगा, इमेज होगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐप फोल्डर के अंदर, मेरा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है यानी वर्किंग एरिया है, वर्किंग फोल्डर वो मेरा ऐप है। वर्किंग फोल्डर ऐप के अंदर हम अपना कंपोनेंट को बनाने के लिए या उसको जमा करने के लिए, क्योंकि एक से ज़्यादा होगा तो जमा करना पड़ेगा, तो जमा करने के लिए हमको कंपोनेंट की ज़रूरत है। और अब इसके अंदर में हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम गैलरी रख लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का कोई फंदा नहीं है, JS या JSX एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, देखिए फंक्शन और उसके बाद उसका नाम प्रोफाइल। मैंने बताया था कि कंपोनेंट का जो पहला नाम अक्षर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देगा। रिटर्न कर रहे हैं हम, बस सिंपली क्या कर रहे हैं, रिटर्न करके एक छोटी ब्रैकेट के अंदर में हम इमेज टैग लगा रहे हैं, ये हम हटा देते हैं ताकि आप ज़्यादा समझ पाए। img टैग जो हम लोग CSS में जानते हैं, HTML से जानते हैं, वही लगाना है। लेकिन ध्यान रहे, HTML में ये backslash नहीं लगाएंगे ना, फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाएंगे ना, तो भी वहाँ पे काम करता है। यहाँ पे अगर आपने छोड़ दिया ना तो यहाँ एरर आ जाएगा। JSX थोड़ा स्ट्रिक्ट है, HTML थोड़ा सा लिबरल है, आप उसको जैसे बोलिएगा वैसे कर लेगा, कोई इशू नहीं। वहाँ पे कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल लिखिएगा, सब चल जाता है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको पूरा वैसे लिखना होगा जो इसका रूल है। रूल क्या है, स्लैश होना चाहिए अगर इसका क्लोजिंग टैग नहीं है तो। तो img का क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए स्लैश लगाना आपको। JSX में ये मैंडेटरी हो जाता है। और ये है आपका CSS फाइल। अब आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं जो ऑनलाइन आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ https 2 बार स्लैश और मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ पिक्सम ऑनलाइन वेबसाइट को, pixum.photos/400। एक मुद्दा हो जाएगा छोटा सा, यहाँ पे क्या बताता हूँ, जब ये इस एक्सेस करेंगे ना तो ये अलाउ नहीं करेगा कि बाहर का कोई URL को आप एक्सेस करें। उसके लिए आपको छोटा सा परमिशन देना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे जब आउटपुट आएगा तो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब आप जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल को पढ़ा था तो वो यही चीज़ है, यहाँ पे काम कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी गैलरी वाली जो कंपोनेंट है उसको पेज कंपोनेंट में लेते आना है। तो ऑफकोर्स पेज कंपोनेंट आपको क्या करना है, पूरा हटा देना है, हटा दीजिए, मिटा दीजिए मतलब। और आप आराम से यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखिए एक फंक्शन, नॉर्मली आपको बताए थे RFCE से भी कर सकते हैं, और ऐसा करने से काम जल्दी हो जाएगा। और इसके अंदर रिटर्न के फॉर्म में हमको वो कंपोनेंट चाहिए जिसका नाम है गैलरी, बट ये गैलरी मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये प्रोफाइल, सॉरी ये गैलरी नाम नहीं रखना था इसका, हम मुझे इसका नाम प्रोफाइल रखना था, PROFIL। कुछ नहीं, फाइल नेम सिर्फ चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है। आप यहाँ पे आइए प्रोफाइल, अब देखिए मुझे हिंट में मिल जाएगा, वापस से मिटाते हैं, कोई बात नहीं, PROFI।
थोड़ा देर वेट करो, देखो आ गया, और इसके बाद बंद कर दो। तो ये बेसिकली इसलिए दिखा रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे देखो एक एरर आएगा, तैयार रहो एरर के लिए, क्योंकि सॉरी एरर नहीं, ठीक है, HTTP की रिक्वेस्ट में कोई एरर नहीं। देखिए एक छोटा सा इमेज आ गया, ये इमेज मैंने क्या लिखा था इसमें प्रोफाइल में 400, इसलिए 400x400 का आया है। अगर मैं 200 लिखता तो ये ऑनलाइन भेजता हमको 200x200 का। तो ये जो बॉक्स ऑफ इमेज है ये प्रोफाइल से आया, यानी मैं इसको रिपीट करूँगा तो इमेज रिपीट होगा। बट मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मैंने प्रोफाइल नाम से एक क्या बनाया, कंपोनेंट बनाया, और इस प्रोफाइल नाम के कंपोनेंट के नीचे मैंने देखो एक और गैलरी नाम का कंपोनेंट बनाया। ये भी सीखते हैं, देखो कैसे। ये जो मेरा, इसको बड़ा कर लेते, ये जो मेरा प्रोफाइल है मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँगा इसी जगह पर, देखो कैसे। फंक्शन नाम गैलरी, नाम क्या है फंक्शन का, गैलरी, और गैलरी के अंदर रिटर्न कर रहे हैं सिंपली एक छोटा सा डिव बनाकर, डिव टैग। इसके अंदर हम लोग ग्रीड व्रीड लगा सकते हैं, जो CSS में हम लोग सीखा है, ग्रीड डैश कॉल डैश 4, 5 जो भी लगाना है उसके अंदर में ये प्रोफाइल वाला कंपोनेंट जो ऊपर बना हुआ है, ये इसी जगह इंपोर्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और फाइल में लेके जाते तब। तो इस फाइल में हमको कॉल करना है, इस तरह से करेंगे, कितना डाल दें, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना चाहें उतना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना सारा हम क्या किए, कंपोनेंट को रीयूज़ किए, रीयूजबिलिटी फंक्शन में आता है और ये साथ में मेरा फीचर बन जाता है। अब मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा गैलरी को, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ गैलरी को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और गैलरी, इसलिए मैंने नाम गैलरी रखा था। तो बेसिकली क्या हुआ, एक ही फाइल के अंदर, मैं वापस गैलरी लिख देता हूँ, एक ही फाइल के अंदर दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन का तरीका यूज़ हो रहा है तो आप इसके साथ भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख सकते थे, जैसे इसको हटा दीजिए, यहाँ पर सामने लिख दीजिए इसके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये हो गया आपका काम। तो ये गैलरी फंक्शन ये आपका एक्सपोर्ट होगा, ये वाला फंक्शन एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक्सपोर्ट ना लिखा हुआ ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ। तो प्रोफाइल को बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बट वो कंपोनेंट के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, सब कंपोनेंट, ये कहलाएगा सब कंपोनेंट, यानी इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अब प्रोफाइल को नहीं कॉल करते हैं, तो ये जो इंपोर्ट का लाइन है ये हटा देते हैं, ये इसमें इंपोर्ट अपने आप हो जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आप क्या करें, गैलरी से बुलाएंगे बस, देखिए गैलरी यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ऊपर इंपोर्ट लाइन सही है। आप आउटपुट देखिए, ये वेबसाइट है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, वाह। तो सब इमेज एक जैसा ही आएगा क्योंकि मैंने सब में एक ही URL डाला है, तो डायनेमिक नहीं है कुछ भी। तो बेसिकली यहाँ पे गैलरी काम कर रहा है। आप भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसके एग्जांपल में भी तीन तीन प्रोफाइल आ रहा है, और उसमें ऊपर में H1 डाला हुआ है, देखो इमेजिंग सेंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ही मैं भी यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ गैलरी में, यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले, इस जगह पे आने से पहले मैं गैलरी ग्रीड से ऊपर यहाँ पे H1 डाल देता हूँ और लिख देता हूँ कि एल्बम, मेरे अपना मन एल्बम लिस्ट, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने कल बताया था आपको कि रिटर्न हमेशा एक नोड होगा, बट यहाँ पे H1 एक अलग नोड हो गया और div एक अलग नोड हो गया। तो ऐसा बचने के लिए आपको रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन सबसे अच्छा तरीका है, रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कोई एरर नहीं, अच्छे से काम कर रहा है। तो ये मेरा ऊपर में जो टाइटल लिखना था वो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आगे का चीज़ देखो, इसमें क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग द कॉम्पोनेंट, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। वी कैन डिक्लेयर मैनी कॉम्पोनेंट इन वन फाइल, मैं एक कॉम्पोनेंट फाइल के अंदर में कई सारे कॉम्पोनेंट डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे प्रोफाइल और गैलरी एक साथ कर लिया। बट लार्ज फाइल कैन बी डिफिकल्ट टू नेविगेट, प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर कॉम्पोनेंट बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको एक फाइल को एक कॉम्पोनेंट बनाना चाहिए, अगर छोटा छोटा है तो आप एक साथ जा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपके कोड में आएगा कॉन्फ्लिक्शन, आपके कोड में आएगा बहुत डिफिकल्टी, नेविगेट करने में डिफिकल्टी आएगा, इस फंक्शन में जाना है उस फंक्शन में जाना है, तो बहुत लंबा है, मान लीजिए 50,000 लाइन का एक कॉम्पोनेंट है, तब आपके पास दो कॉम्पोनेंट 50,000 का एक फाइल में रखने से आपको फ़ायदा नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा, उसको अलग अलग कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं अलग अलग, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये गैलरी नाम का कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर प्रोफाइल कहाँ से आया है, जस्ट ऊपर से, बट इमेजिन करो कि ये प्रोफाइल अलग जगह पे है, तब क्या होगा, तो आपको सिंपली एक अलग फाइल बना लेना है, प्रोफाइल डॉट JSX, और बस जो चीज़ आप यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो आप लिखे हैं यहाँ पे, इसको हटाकर यहाँ लेते आइए, एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अगर आप नहीं कर रहे तो आपको इम्पोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट प्रोफाइल, ठीक है, सिंपल है। तो आप सिंपली यहाँ पे इसके सामने एक्सपोर्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं,
अब ये देखो डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, हम आपको मॉड्यूल में पढ़ाए थे ये, डिफॉल्ट में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगता, बट अगर आप एक्सपोर्ट डायरेक्ट करते हैं, मैं किसी भी प्रोफाइल को इंपोर्ट करना के तरीका बताता हूँ। इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट प्रोफाइल, याद आया? देखो इसी फाइल में, तो इसका नाम प्रोफाइल डॉट जे एस या डॉट जे एस लिखने की जरूरत नहीं पाथ में, बस देखिए एज इट इज़ काम कर रहा होगा जैसे। तो क्या हुआ इस बार है ना, दोनों फाइल अलग अलग हो गए, दोनों कंपोनेंट अलग अलग चले गए। इससे पहले क्या था, एक ही जगह पे दोनों हम लोग डाल रहे थे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू कैन डिक्लेयर मैनी कंपोनेंट इन वन फाइल, आप एक से ज़्यादा कंपोनेंट एक फाइल में डाल सकते हैं, बट लार्ज फाइल कैन बी डिफिकल्ट टू नेविगेट। लार्ज फाइल अगर है तो डिफिकल्टी आएगा आपको। इसके लिए टू सॉल्व दिस यू कैन एक्सपोर्ट द कॉम्पोनेंट इट्स ओन फाइल एंड इम्पोर्ट द कॉम्पोनेंट फ्रॉम अनदर फाइल। तो यहाँ पे इसने भी यही किया, गैलरी डॉट जेएस बनाया उसमें गैलरी है, और प्रोफाइल डॉट जेएस बनाया उसमें प्रोफाइल है, उसने भी यही किया, मैंने भी यही किया। इसके बाद आगे बढ़ते हूँ और रिजल्ट मुझे सेम मिल रहा है। इसके बाद देखिए क्या है, राइटिंग मार्कअप विद जेएसएक्स। अब मैं जेएसएक्स पे आज बहुत लंबा बात करने वाला हूँ। देखिए जावास्क्रिप्ट तो था ही, उसमें एक्सएमएल डाल दिया गया तो उसका नाम रख गया जेएसएक्स। इसको कंप्लीट कौन करता है, इसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक लाइब्रेरी का योगदान होता है इसमें। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में कोई H1 लिखना है, H1 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक आया मेरे पास ज़बरदस्त वाला एक तो लाइब्रेरी, दुनिया में ओपन सोर्स हुआ और उसने पूरी दुनिया ही बदल दी जावास्क्रिप्ट को लिखने, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने का तरीका, जिसका नाम रखा है उसने JSX। जो लाइब्रेरी है उसका नाम है बैबल, बैबल JS। चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं बैबल जेएस से। बैबल जेएस एक ऐसा लाइब्रेरी बन के आया, ये इसमें कहा कि आप लिखो एचटीएमएल की तरह, हम बनाएंगे उसको जेएस की तरह, मतलब आपकी मेहनत और आपकी एफर्ट्स को कम करते हैं। देखिए क्या हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, समझिएगा, ट्राई करते हैं इसको, ये थोड़ा रेप्लीकेट करने के लिए थोड़ा समझ लिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा H1 का टैग ऐसे, तो ये लग रहा ना आपको HTML है, बट ये HTML नहीं, जावास्क्रिप्ट में ऐसा लिखाया है। बाप रे, सोचिए क्या हुआ, आपने सिंपली कैसे लिखा, वैसे जैसे बच्चे जानते हैं HTML में लिखना, और वो तुरंत जावास्क्रिप्ट में क्या बना, देखिए उसने लिखा JSX, ये तो JSX का है, इसको मैं आपको रिएक्ट के अंदर नहीं, मैं इसको दिखाता हूँ रिप्रेजेंटेशन इसका जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कैसे होता है, ओ सॉरी फ्लो रिएक्ट स्टेज 3, मैं इसके पीछे का स्टेजेस होता है बहुत सारा, वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा इसके अंदर एट्रीब्यूट, ऐसे लिखा हुआ क्लास नेम, और इसके अंदर लिखा टेक्स्ट डैश वाइट, ऐसे लिखता हूँ, कितना आसान है लिखना मेरे लिए, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत का काम है। देखो तो बेसिकली मेरा रिएक्ट एक्चुअल में ऐसे डेटा चाहता है, बट मैं लिख रहा हूँ ऐसे, इसकी वजह कौन है, बैबल, इसकी वजह है बैबल। आप लिखो HTML की तरह एकदम आसानी से, जैसे आप जानते हो HTML को, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जावास्क्रिप्ट में, वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में एक इंजन काम कर रहा है वो है बैबल। तो वो इंजन को हम लोगों को नहीं कुछ करना है, हमको एक्स्ट्रा कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, वो रिएक्ट के साथ बंडल में आता है। तो जब आप Next.js या React को इंस्टॉल करते हो तो साथ में ही Babel.js आता है उसके, और Babel.js आपके कोड को क्या करता है, उसको सिंपली क्या करता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, Package.json को चेक करोगे तो उसमें React आता है, और React में React का DOM आता है। React DOM एक ऐसा पैकेज है जिसमें Babel भी आता है, मतलब पैकेज के अंदर बंडल होके आता है, आपको बस इंस्टॉल करना है, बस वो काम हो गया। मैं अगर नोड मॉड्यूल में कहीं मिल जाए Babel तो मैं आपको दिखा सकूं। देखिए Babel दिखा आपको Node.js में, नोड मॉड्यूल में, ये देखिए बैबल, बैबल का सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, बट इसको छः चार तो हमको करना नहीं है क्योंकि हम कल आपको बता चुके हैं, तो आपको इसमें जाना नहीं है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। पहले ज़माने में जब छोटा फ़ोन आया करता था तो लोग है ना बोलते थे कि सेटिंग में मत जाना, और सबसे ज़्यादा लोग वहीं जाते थे, अब एक प्रॉब्लम होता था पुक कोड, वो लगा देते थे सिम ब्लॉक, तो PO के नंबर जो है ना वो बेसिकली प्रॉब्लम आ जाता था, तो वो तीन बार ट्राई करते थे सिम ब्लॉक। अब ना जाना पड़ेगा या कस्टमर केयर से मांगना पड़ेगा, कस्टमर केयर दिया तो ठीक है, नहीं तो नया सिम की ज़रूरत है। नया सिम ऐसा नहीं कि छतरी लगा के ₹50 में 1 GB डाटा के साथ फ्री मिलेगा, ₹400 लगने वाला है आपका, वो ज़माने में ऐसा मामला था। तो अभी क्या है कि आपको जो चीज़ मना किया जाए उसमें मत जाइएगा। मना क्या कर रहे हैं, नोड मॉड्यूल, अगर आपने इसको डिलीट मार दिया गलती से भी तो घबराइएगा मत, जो मैंने डिलीट मार दिया, ये डिलीट हो गया, मैंने आपसे देखिए डिलीट परमानेंटली। तो क्या करना है आपको सुधारने के लिए, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है npm install।
वो जितना कुछ है पैकेज क्या क्या होगा ये बात पैकेज डॉट जेसन को पता है। पैकेज डॉट जेसन चेक करेगा क्या क्या इंस्टॉल करना है, वापस से इंस्टॉल कर देगा। यानी अगर आपने कभी गलती से भी नोड मॉड्यूल में इधर उधर किया तो आपको जाके लिखना है कमांड में सिंपली npm, देखिए डिलीट हो गया नोड मॉड्यूल, अब काम नहीं करेगा आपका प्रोजेक्ट। npm इंस्टॉल, जितना कुछ होगा पैकेज डॉट जेसन में इसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ इंस्टॉल कर दिया जाएगा। वो टाइम लगेगा, वो इंस्टॉल होगा, वापस से नोड मॉड्यूल पधार गए, जो डिलीट हुआ वापस आ गया। तो ये रिकवरी का पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं ऐसा। देखिए ये सब इंस्टॉलेशन पे चला गया। खैर मैं बैबल्स के फीचर्स को बता रहा था, बैबल समझ में आ गया आपको। आप कोई भी कोड लिखते हो, सपोज डैट अभी हमने इमेज वाला जो कोड लिखा है, ये सब लिखा ना हम लोगों ने, इसको अगर बैबल में डाल दे तो क्या आएगा इसका कोड अल्टीमेटली? ऐसे कौन लिखेगा उसे, बहुत गार्बेज, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा आपको जेएसएक्स में लिखने के लिए। तो ये बेसिकली आप एचटीएमएल में लिखते हो, उसको कन्वर्ट कर देता है वो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो आपका काम बैबल कर देता है आसान। जेएसएक्स मतलब जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो ये यहाँ पर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं क्या और कह रहा है करने के लिए। तो देखो क्या लिखा है, ईच रिएक्ट कॉम्पोनेंट इन ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट मे कंटेन सम मार्कअप एंड React render in the browser। तो देखो ये कह रहा है कि React का जो component होता है उसमें markup के तौर पे JSX होता है। Markup मतलब structure, markup के तौर पे JS होता है, JSX होता है, ना कि HTML का part होता है। HTML से थोड़ा सा अलग है। क्या लिख रहा है देखो, React component use syntax extension called JSX to represent the markup। अगर तुम कोई JavaScript का file बना रहे हो और तुम चाहते हो उसको represent करें कि ये markup file है, तो उसको JSX लिखो, JS नहीं JSX, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, जेएस लुक एट ए लॉट लाइक अ एचटीएमएल। मतलब मैं भी कह दूं आपको ये बात तो गलत नहीं होगा कि 95% जो है वो एचटीएमएल है। 5% आपको एक्स्ट्रा सीखना है, 5% वो रूल सीखना है जो जेएसएक्स को पे लागू होता है। यानी जो चीज़ यूज़ करोगे उसका तो आपको डेडली कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। खैर मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली हम लोग है ना रिएक्ट के कॉम्पोनेंट में हम लोग जब एक्सटेंशन लगाते हैं JSX, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग उसमें मार्कअप लैंग्वेज के तौर पे JSX का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बात, यहाँ पे लिखा हुआ है JSX जो है वो HTML से सिमिलर है, ये बात मैंने कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बात सुनिए, यहाँ पे कि बिट वो स्ट्रिक्टनेस इसका ज़्यादा है। JSX में HTML की तरह नहीं है कि कैपिटल की जगह पे स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया चलेगा। आप कई जगह पे जो रूल नहीं है वो छोड़ दीजिए, जैसे इंडिंग टैग नहीं है आप उसको लगा देते हो, उसको थोड़ा हैबिचुअली आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्लास की जगह क्लास नेम लिखना है या इंडिंग टैग आपको करना यहाँ पे प्रॉपर ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, हम अचानक से नहीं बताना चाहते। धीरे धीरे आप ना डायनेमिक इन्फॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, और अगर आपने गलती किया तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि HTML में गलती करने से कोई एरर नहीं आता, यहाँ पे गलती करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है? एस्टीमेट का कोई एरर देखा है किसी ने? नहीं, बस वो अपना स्ट्रक्चर ख़राब कर देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी वो बहुत ज़्यादा लिबरल है, आराम से उसके साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे जेएसएक्स में हल्का सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ लिखो, व्हेन यू पेस्ट एग्जिस्टिंग एस्टीमेट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इट विल ऑलवेज लगभग नहीं करेगा काम, ठीक है? क्यों, बताते हैं उसकी वजह। जैसे आपने ये IMG टैग लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये IMG टैग आपने एस्टीमेट में सीखा था, ये UL टैग आपने लगाया, ये सब काम ऐसे नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा दिखाता हूँ। जैसे देखो, आपने हमेशा सीखा इमेज का टैग में ये स्लैश लगाना तो नहीं सीखा होगा, तो ये आ गया एरर, आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए स्ट्रिक्टनेस यही है। तो किसी भी टैग का एंडिंग टैग होता है, अगर एंडिंग टैग नहीं होता उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, यानी खुद को बंद करना पड़ेगा। जैसे इनपुट टैग, जैसे फॉर्म टैग, सॉरी जैसे ये इमेज टैग, जैसे BR टैग, HR टैग, ये सब वो टैग्स हैं जिसका एंडिंग नहीं होता है। तो जिसका एंडिंग नहीं होता उसके लास्ट में स्लैश लगाना पड़ता है, HTML में नहीं लगा तो भी चल जाता है, और इसमें लगाना मैंडेटरी है। बस यही है, इतना ही सा अंतर है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसमें एरर की संभावना बढ़ जाएगी। वेट कर लेता हूँ क्योंकि कंपाइलेशन थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि मैंने सब हटा दिया था। देखो ये एरर आएगा, ठीक है? देखो ये रेड हो गया, यहाँ पे एरर की सिम्टम आ गया। क्या लिखा हुआ है कि JSX एलिमेंट्स IMG हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो उसने मैसेज भी बताया है कि क्या क्यों एरर है। देखो यहाँ फेल टू कंपाइल, मतलब इतना स्ट्रिक्ट होता है। तो आपको बस क्या यूज़ छोड़ा आपने, स्लैश, और ये देखिए वापस से सॉल्व हो गया। बस ये एक स्लैश नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है? मतलब और भी जगह पे जो चीज़ें आएंगी हम आप ज़रूर बताएंगे आपको JSX में। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, अलग से कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है।
जावास्क्रिप्ट में, जेएसएक्स में और एचटीएमएल में बहुत सिमिलरिटी है। ये देखिए यहाँ पे भी इसको दिखा रहा है कि एरर आ रहा है। फ्रेगमेंटेशन वाला भी एरर आपको बता दिए कि वो एक नोड में होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा और इसको कवर करना पड़ेगा फ्रेगमेंटेशन से, यहाँ पे भी इसने बताया है। आगे देखते हैं कर्ली ब्रैकेट का क्या काम है। जेएसएक्स के बीच में जावास्क्रिप्ट हो सकता है, एचटीएमएल के बीच में जावास्क्रिप्ट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग चाहिए, यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे यहाँ पर कोई वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया, डाटा छोड़ो, नेम लिख देते हैं, नेम, और इसमें लिख देते हैं रॉनी साह, ठीक है। अभी जो नेम नाम का वेरिएबल है ये हमको बीच में कहीं डालना है या H1 टैग लगा के डालना है। यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है कोई बताएगा? सेकेंड दो नोड हो गया, हर नोड हमेशा एक रिटर्न होगा, तो इसके लिए फ्रेगमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, यही मामला है और कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको रॉनी शाह लिखना है, तो आप ऐसे नेम लिख दीजिएगा तो आ जाएगा क्या? देखिए तो एक बार आउटपुट क्या हो गया, ये क्या हुआ? डिज़ाइन हो गया, ये एकदम गलत हो गया, नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ पे H1 लिखा वो ऐसे करके यहाँ पे वेरिएबल नहीं काम करता है। इसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, यानी JSX में कहीं पे भी आप कर्ली ब्रैकेट से शुरू करेंगे तो वहाँ जावास्क्रिप्ट एनेबल हो जाता है, क्योंकि वो खुद JSX है, यानी वो जावास्क्रिप्ट है। तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट ऐसे डालेंगे और आपका वेरिएबल काम कर जाएगा। देखा आपने, ये देखने में ऐसा लग रहा है, आप घबराइएगा मत, इसको थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा अच्छा से। एक डिवीज़न लीजिए, क्लास नेम लगाइए, फ्लिक्स डैश कॉल, मतलब जितने पैतरे हैं आपको करने पड़ेंगे वो आपको पता है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि आप इसमें काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आपको ये उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि आपको कोई वेरिएबल को किसी जावास्क्रिप्ट के कोड को बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इतना कुछ है कि आप कर्ली ब्रैकेट के बीच में पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए प्रूफ के लिए, मतलब सारा काम आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, पूरे HTML के बीच में कहीं भी जावास्क्रिप्ट लगाना कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। इसी के बारे में ये वाला आर्टिकल कहता है यहाँ पे कि ये आर्टिकल को देखो, जावास्क्रिप्ट इन JSX विथ कर्ली ब्रैकेट, आप कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। JSX लेट्स यू राइट HTML लाइक मार्कअप लैंग्वेज इनसाइड द जावास्क्रिप्ट फाइल, कीप रेंडरिंग एंड लॉजिक कंटेनिंग द सेम प्लेस, यानी अपना जावास्क्रिप्ट और अपना HTML दोनों एक जगह पे लिख सकते हो। सम टाइम यू वुड वॉन्ट टू ऐड अ लिटिल जावास्क्रिप्ट लॉजिक और रेफरेंस टू ए डायनेमिक प्रॉपर्टी, यानी कि वेरिएबल इनसाइड द मार्कअप लैंग्वेज। इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज कर्ली ब्रेसेस इन योर JSX, और ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ये देखो यहाँ पे भी इसने किया, देखो यहाँ पे क्या किया, इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन नाम से, और इसके अंदर का जो नाम है वो यूज करना चाहता है, तो बहुत ईजिली वो क्या कर रहा है, देखो पर्सन डॉट नेम आ गया, और उसके बाद इमेज डाल रहा है, फिर ULLI डाल रहा है, तो ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पासिंग प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट। फंक्शन में डेटा इनपुट के तौर पे क्या तरीके से लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ को लेने का तरीका पैरामीटर कहलाता है। यहाँ पे भी उसे हम पैरामीटर ही कहेंगे, बट इसके रिएक्ट के अपने ही नाम हैं, तो उसको प्रॉप्स स्मॉल नेम में, फुल अगर नाम कहा जाए तो उसको प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। देखो रिएक्ट कंपोनेंट यूज प्रॉप्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक कॉम्पोनेंट दूसरे कॉम्पोनेंट को अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है प्रॉप्स की मदद से, मतलब एक कॉम्पोनेंट दूसरे कॉम्पोनेंट को अपना डेटा शेयर कर सकता है प्रॉपर्टीज़ की मदद से। क्या लिखा हुआ है, एवरी पेरेंट कॉम्पोनेंट कैन पास सम इन्फॉर्मेशन, हर एक पेरेंट कॉम्पोनेंट अपने चाइल्ड को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है प्रॉप्स की मदद से, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड कॉम्पोनेंट बाई गिविंग देम प्रॉप्स। प्रॉप्स माइट रिमाइंड यू टू HTML एट्रीब्यूट्स, अगर हम प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको लगेगा देखने में कि HTML का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, देखिए मैं ये जो नाम है ये यहाँ पे नहीं डालता, मैं नेम ज़रूर रखता हूँ लेकिन ये नेम को प्रॉप्स के मदद से लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम एक प्रॉप्स नाम का वेरिएबल डाल देंगे पैरामीटर में। ये जो प्रॉप्स होता है ना ये ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली, तो आपको उसी तरीके से यूज़ करना है, तो इसका नाम होगा प्रॉप्स डॉट नेम, ऐसे एक्सेस करना है। तो प्रॉप्स वेरिएबल का नाम और उसके की का नाम नेम, तो आप जब इसको यूज़ कर रहे थे यानी यहाँ पे, तो आप ऐसे ही जैसे HTML का आप क्या लगाते हो एट्रीब्यूट लगाते हो नेम इज इक्वल टू रॉनी, ठीक है, और ऐसे ही सारे का अलग अलग कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, रॉनी अलग अलग नाम, अजय, विजय, संजय,
धीर जाए, ठीक है ना, लालू, सौरभ, शिवम, अली, मैं सब में देखो क्या पास हुआ हुआ है, जस्ट लाइक एट्रीब्यूट है ना। HTML टैग में जैसे क्लास नेम एट्रीब्यूट है, वैसे ही है ना कॉम्पोनेंट में। कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्पोनेंट है या HTML का टैग? बहुत सिंपल है, आप इसके आगे का पहला कैपिटल देखते हैं तो ये कॉम्पोनेंट होगा, और जब स्मॉल देखते हैं तो वो HTML का टैग होगा। ये फिल्टर करने का तरीका आसानी से आप आराम से कर सकते हैं। और देखिए सबके नीचे नाम अलग अलग, यानी ये जो प्रॉप्स है, पैरामीटर है, ये कौन दे रहा है? ये पेरेंट दे रहा है। पेरेंट कौन है? गैलरी। गैलरी दे रहा है किसको? चाइल्ड को। चाइल्ड कौन है? हायरार्की समझो, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, पेरेंट कौन है, अरे पेरेंट कौन है, गैलरी, और ये सब उसके चाइल्ड है। ये सब को डेटा डायनेमिक जा रहा है, किसकी मदद से जा रहा है? प्रॉप्स की मदद से जा रहा है। सेम लाइक कैसा, अगर किसी को नहीं दे तो क्या होगा? चलिए अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं, नहीं देंगे तो नहीं दिखेगा। क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ नहीं। तो क्या अगर हम इसके अंदर जाने के बाद अगर हमें ऐसा कंडीशन लगा दें कि इफ़ प्रॉप्स डॉट नेम इज इक्वल टू अनडिफाइंड, देन प्रॉप्स डॉट नेम बिकम गेस्ट, क्या बोलते हो? इफ एल्स है, कर सकते हैं ऐसा? इसका हजारों तरीका हो सकता है, बट हम एक सिंपल तरीका ट्राई कर रहे हैं। असाइन नहीं कर सकते, सेमी कॉलन नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये प्रॉप्स के अंदर नेम को असाइन करने की बात है, नहीं होगा ये। ऑब्जेक्ट ऐड प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हैं, बेसिकली नेम अनडिफाइंड है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सुनो, इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकता हूँ मैं, क्या कहूँगा कि इसको आता ऑब्जेक्ट में है तो हम इसको डीस्ट्रक्चरिंग फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नेम ले लिया। अब मैं यहाँ पर प्रॉप्स डॉट नेम लिखने की जगह नेम लिखूंगा, लेकिन क्या अंतर हो गया? कर्ली ब्रैकेट आ गया यहाँ पर, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ही है अभी तक। तो हम यहाँ पर एक सीधा प्रॉप्स डॉट नेम की जगह लिखते हैं नेम, अगर अनडिफाइंड है तो नेम नाम का वेरिएबल बनाओ और उसमें गेस्ट डाल दो। इसको ट्राई करते हैं, देखो सबसे आखिरी वाला को क्या मिल रहा है, गेस्ट। अच्छा, इतना इफ एल्स इतना लंबा लिखने की ज़रूरत है क्या? हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू कंडीशन नेम, अगर नेम अगर अनडिफाइंड है तो फिर गेस्ट, पढ़ा है इतना कुछ कहेला, और इसको हटा देते हैं, नहीं हो सकता, चेक करें काम कर रहा है, कर रहा है, क्या बात है। तो एक लाइन में काम खत्म हो सकता है, इससे भी ऊपर वाली बात है, इससे भी ऊपर वाली बात यह है कि आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू कई तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे कंडीशन लगा दूं कि अगर नेम है तो नेम बताओ और नहीं है तो गेस्ट बताओ, टर्नरी ऑपरेटर, बाप रे बाप, कितना कुछ कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल रेंडरिंग। और क्या बोलेंगे इसको? देखो गेस्ट अभी भी आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट हमको मेहनत करने के लिए नहीं देता है। जावास्क्रिप्ट बोलता है एक तरीके को आप कितना काम कितना तरीके से कर सकते हैं। आप सबके लिए तैयार रहिए, आराम से यूज़ करेंगे हम लोग। गैलरी जिसमें नाम नहीं है वो सब में गेस्ट आएगा, देखो गेस्ट गेस्ट, जिसमें नाम नहीं है गेस्ट, ठीक है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को और देखने की कोशिश करता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। तो पास कर देते हैं, बट यू कैन पास एनी जावास्क्रिप्ट वैल्यू थ्रू देम इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। सोचो मैं नाम को जो स्ट्रिंग में पास किया हूँ उसकी जगह क्या क्या डाल सकता हूँ। ये जो स्ट्रिंग पास किया उसकी जगह मैं ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, एरे पास कर सकता हूँ, मैप पास करता हूँ, सेट पास कर सकता हूँ, बोलियन एक्सप्रेशन पास कर सकता हूँ, इंटीजर पास कर सकता हूँ, मतलब जावास्क्रिप्ट का सारा डेटा टाइप पास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बात HTML में नहीं है, वहाँ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और कुछ नहीं पास कर सकते। यहाँ पर फंक्शन तक पास कर सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन भी पास कर सकते हैं। चलिए ट्राई करें, देखिए हम गैलरी में एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एरो फंक्शन है तो ऐसा हो सकता है। तो हम इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं और क्लिक, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना देना है, देखो एरो फंक्शन बना रहे हैं हम, और इसके अंदर में कुछ नहीं है, बस एक अलर्ट डालते हैं, हेलो भाई भाई लोग, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या पैरामीटर में पास कर सकते हैं? क्या पैरामीटर में पास कर सकते हैं? फंक्शन प्रॉप्स में पास कर सकते हैं, देखना ध्यान से। इसका नाम हम रखते हैं क्लिक, प्रॉप्स का नाम रखा क्लिक, और इसमें देख लो क्या पास कर रहे हैं, क्लिक। फंक्शन का नाम भी क्या है? क्लिक है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये क्लिक है, अब प्रॉप्स का नाम भी क्लिक है। इसके अंदर डाला और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाम क्या है? क्लिक।
और इसको हम लोग यहाँ पे एक बटन डाल के यूज़ करते हैं, ठीक है, बटन टैग, और लिखते हैं ऑन क्लिक। इसमें ऑन क्लिक जो HTML में लिखते हैं उसका सी स्मॉल होता है, इसका कैपिटल होता है, बस इतना ध्यान रखना है, सी कैपिटल हो गया। अब ये क्लिक फंक्शन इस पर काम करेगा, और मैं इसको बंद करके लिख देता हूँ क्लिक, चेक करो आउटपुट में क्या आता है। ये देखो एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या, जब मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ ना, तो नेक्स्ट जेएस का रूल है कि जब आप ऑन क्लिक लगाते हैं तो इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे कि दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमको क्लाइंट लगाना है, यूज़ क्लाइंट लिखकर ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है, डिक्लेयर कर, हाँ ये क्लाइंट बन गया, तो ये अब एक्सेप्टेबल है कि ये ऑन क्लिक काम करेगा इसमें। बट ये मैंने सॉरी ये यहाँ पे भी क्लिक, यहाँ भी फंक्शन बनाया है, यहाँ पे भी क्लिक लिखा है, क्लिक पैरामीटर, एक मिनट, क्लिक फंक्शन, हाँ फंक्शन पास करने के लिए मुझे इसको यूज़ क्लाइंट यहाँ पे भी लगा देंगे, सेम चीज़ सबसे पहला लाइन में ही लिख देंगे यूज़ क्लाइंट, मैं दोनों जगह लगा रहा हूँ, ठीक है, गैलरी में भी और प्रोफाइल में भी, इसको क्लाइंट बेस बनाने के लिए। क्या लिख रहा है, फंक्शन में फंक्शन कैन नॉट पास डायरेक्टली इन द क्लाइंट यूजुअली इन द मार्कर लैंग्वेज यूज सर्वर। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लिक, अच्छा मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, यूज़ क्लाइंट यहाँ पे पास किए, क्लाइंट यहाँ पे आ गया, क्लिक यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको ऐसे पास करके देखता हूँ, ठीक है, एरो में, मतलब इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट, हाँ ठीक है काम करेगा, खुलने देते हैं सबको, ये वाला पे क्लिक करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला पे, छोटी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा उनको, देख लेते हैं, लास्ट में तो ऐड किया था, हाँ ये देखो हेलो भाई लोग। तो बेसिकली हमें ना डायरेक्ट फंक्शन का नाम पास कर रहे थे, उसकी जगह पे हमें ना एक्चुअल में फंक्शन का नाम क्लिक था ना, तो ये नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने क्या किया, एरो फंक्शन बनाकर उसके बॉडी में क्लिक फंक्शन को रन कर दिया। तो ये जो पास करें ये एक फंक्शन है, तुम चाहो तो डायरेक्ट अलर्ट वाला जो कोड है, डायरेक्ट अलर्ट वाला जो कोड है इसको हटा दो, तुम चाहो तो डायरेक्ट अलर्ट वाला कोड इस जगह पे लगा दो, हो गया। तो ये क्लिक जो है बेसिकली अभी भी काम करेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, आया हेलो भाई लोग। तो ये बेसिकली हम ये प्रूफ बनाने के लिए किया, ताकि ये पता चल जाए कि प्रॉस में हम लोग एरे ऑब्जेक्ट के अलावा फंक्शन भी डाल सकते हैं, यहाँ तक कि हम पूरा GSX भी डाल सकते हैं, इवेंट GSX यहाँ लिखा हुआ है, आप इसमें पास कर सकते हैं डेटा को और इंटीग्रेट कर सकते हैं। छोटा सा सैम्पल एग्जाम्पल है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहीं पे रोक देते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग टॉपिक से पहले यहाँ पे रोक देते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।